विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हुई है। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होगा, तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को दो तिहाई से भी अधिक सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस गठबंधन को 205 सीटें मिल सकती हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी को 55 और अन्य के खाते में 28 सीटें जा सकती हैं। वहीं वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो बीजेपी शिवसेना को 46, कांग्रेस को 30 और अन्य को 24% वोट मिल सकते हैं। तो वहीं देवेंद्र फडणवीस अभी भी मुख्यमंत्री के पद के लिए सबसे पहली पसंद बने हुए हैं। खबरों की माने तो फडणवीस 39, उद्धव ठाकरे 6, अशोक 5 और शरद पवार 5% लोगों की पसंद है। वहीं इस विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है, इसके बाद बेरोजगारी, किसानों की समस्या और सड़क प्रमुख मुद्दा है। वहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।